हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट में इस टाइम में कुछ नया देखने को मिल रहा है। रिसेंटली में अभी कोरोना की न्यूज आई थी तो इससे पूरा मार्केट हिल गया था। और कहीं ये भी न्यूज आ रही है कि 2023 में अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। तो ऐसे न्यूज के बाद भी कुछ कंपनी तो इस टाइम में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कंपनी के शेयर कंटिन्यूस गिरते ही जा रहे हैं। इस टाइम में मार्केट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो आज हम कुछ ऐसे ही स्पेशल शेयर के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क शेयर के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग तो इसके आउटलेट में भी जाते होंगे। बट जो नए लोग हैं अब वो सोच में पड़ गए होंगे कि जुबिलेंट फूड के आउटलेट में तो हम कभी गए ही नहीं हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा के आउटलेट में। अब सवाल आता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा तो एक फॉरेन कंपनी है एंड जुबिलेंट फूडवर्क एक इंडियन कंपनी है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम इस कंपनी के कुछ 5 फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम इस कंपनी में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर इसके हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, फिर हम इसके मेजर ब्रांड के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल मॉडल के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जुबिलेंट फूड्स इंडियन फूड सर्विस कंपनी है। जुबिलेंट फूड्स के फाउंडर श्याम सुंदर भरतिया हैं। श्याम सुंदर भरतिया ने अपने क्लोज फ्रेंड हरी भरतिया के कहने पर डोमिनोज पिज्जा के साथ एक फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप की, जो 16 मार्च 1995 को डोमिनोज पिज्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लॉन्च किया और 1996 को कंपनी ने अपना पहला आउटलेट डोमिनोज पिज्जा न्यू दिल्ली में खोला। कंपनी ने 1998 में डोमिनोज पिज्जा के मास्टर फ्रेंचाइजी राइट को पूरे इंडिया एंड नेपाल तक एक्सटेंड किया। कंपनी ने सन 2004 में 30 मिनट डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी और फ्री पिज्जा कैंपेन लॉन्च किया। कंपनी ने 2009 में अपना नाम चेंज करके जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड कर दिया और कंपनी ने 2010 में अपना फर्स्ट आईपीओ लॉन्च किया था, जिसकी प्राइस 135 टू 145 तक थी और 12th ईयर में इसकी प्राइस लगभग 4000 तक गई थी। 24 फरवरी 2011 में जुबिलेंट फूड वर्क ने अमेरिकन कॉफी हाउस चेन डंकिन डोनट के मास्टर फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट पर साइन किया था और 2012 में अपना पहला डंकिन डोनट आउटलेट न्यू दिल्ली के कैनॉट प्लेस में ओपन किया। जुबिलेंट फूड वर्क इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है और ये कंपनी 2 डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट को होल्ड करती है और साथ ही ये कंपनी 2 होम ग्रोन ब्रांड एकदम एंड होम्स किचन लॉन्च किए थे। ये था कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानते हैं। जुबिलेंट फूड कंपनी फूड सेगमेंट में काम करती है और ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती थी और बड़े बड़े ब्रांड को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहती थी। तब उनके एक फ्रेंड हरी भरतिया, जिनके पास फॉरेन पिज्जा का लाइसेंस ऑन किए थे और यूएसए में डोमिनोज पिज्जा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो यह कंपनी अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर 1996 में इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप की और उन्हें इंडिया में इसे डेवलप और ऑपरेट करने का राइट मिल गया। इस कंपनी को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तक डोमिनोज पिज्जा के लिए राइट भी मिला है और ये कंपनी बांग्लादेश में अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये जुबिलेंट एंड गोल्डन हार्वेस्ट ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया और ये अब जुबिलेंट गोल्डन हार्वेस्ट लिमिटेड के साथ अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। अब इसके ब्रांड की बात करें तो ये कंपनी फूड सर्विस कंपनी से जुड़े होने के कारण ये कंपनी 2 इंटरनेशनल ब्रांड डोमिनोज पिज्जा एंड डंकिन डोनट के थ्रू फूड सर्विस में एंगेज्ड है, जो डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट को एड्रेसिंग करती है। ये कंपनी डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट, होम्स किचन, पोपीस, एकदम, शेफबॉस जैसे डिफरेंट ब्रांड के साथ काम करती है। चलिए अब इन ब्रांड के बारे में एक एक करके डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है डोमिनोज। कंपनी के पास नेपाल, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश में डोमिनोज के पिज्जा रेस्टोरेंट को डेवलप एंड ऑपरेट करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट है। 2012 तक 500 डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट खोल चुके थे और ये इंडिया में ऑनलाइन फूड सर्विस ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला फर्स्ट ब्रांड बन गया है और फिर इसने एवरीडे वैल्यू ऑफर कैंपेन 2017 में लॉन्च किया था। ये पिज्जा मार्केट में एक मार्केट लीडर है क्योंकि ये पिज्जा मार्केट में 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है और ये इंडिया में पिज्जा होम डिलीवरी सेगमेंट में 17% मार्केट शेयर होल्ड करता है और एक ये मार्केट लीडर भी है। 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया में 322 सिटीज में डोमिनोज पिज्जा 1495
प्लस स्टोर ऑपरेट करता है। सेकंड नंबर पर है डंकिंग डोनट। कंपनी के पास इंडिया में डंकिंग डोनट रेस्टोरेंट को डेवलप एंड ऑपरेट करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट है। जुबिलेंट फूड वर्क ने अप्रैल 2012 में दिल्ली के कैनॉट प्लेस में इंडिया का फर्स्ट डंकिंग डोनट आउटलेट ओपन किया। ये कंपनी डोनट, कॉफी, बेवरेज, सैंडविच के अलावा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हॉट एंड कोल्ड फूड सर्विस प्रोवाइड करती है। 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया में 8 सिटीज में 29 स्टोर ऑपरेट करती है। थर्ड में है होंग किचन्स एंड शेफ बोश। जुबिलेंट फूड ने चाइनीज कुजीन सेगमेंट में और एफएमसीजी सेगमेंट में भी एंट्री ले ली है। इसका मतलब है ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को और इंक्रीज करने में फोकस्ड है। ये कंपनी अपने कस्टमर के डिमांड के हिसाब से नए नए सेगमेंट के प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। जुबिलेंट फूड ने फर्स्ट होम ब्रांड होंग्स किचन लॉन्च किया। इसने अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट मार्च 2019 में गुड़गांव में लॉन्च किया एंड एफएमसीजी सेगमेंट में शेफ 2020 को लॉन्च किया। फोर्थ नंबर पर है पोपेस। कंपनी के पास इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान में पोपेस रेस्टोरेंट को डेवलप एंड ऑपरेट करने का राइट है। इस कंपनी ने 20 जून 2022 में अपना फर्स्ट आउटलेट बेंगलोर में ओपन किया। फिफ्थ नंबर पर है एकदम। जुबिलेंट फूड ने अपना सेकेंड होम ग्राउंड ब्रांड लॉन्च किया जो अक्रॉस इंडिया में डिफरेंट टाइप के बिरयानी ऑफर करती है। अब इसके फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो इस कंपनी के सेल्स में हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलता है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है और ईयर ऑन ईयर सेल्स देखें तो इस कंपनी में भी हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है, बट इसमें हमें मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। ट्रेलिंग 12 मंथ में ये कंपनी 20% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ डिलीवर करती है और लास्ट 5 ईयर में ये कंपनी 11% का पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर करता है। इसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, जहां ट्रेलिंग 12 मंथ में 12% का, 3 ईयर में 10% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करता है। ये कंपनी जहां 2018 में 196 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी और 2022 में 418 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती है, लास्ट 5 ईयर में 45% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करता है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 41.94% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 28.66% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 6.11% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.82% की एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.46% की होल्डिंग है। अब इसके न्यू बिजनेस देखें तो जुबिलेंट फूड अपने वेरियस ब्रांड को इंक्रीज करने में बहुत फोकस्ड है और जुबिलेंट के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जिस कारण से ये मोनोपोली क्रिएट करता है। इसी कारण से इस कंपनी का इंडिया में स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और ये इंडिया के बाहर भी अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हैं और ये कंपनी नए नए ब्रांड को ऐड कर रहा है, जिससे इनका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इसने अभी हाल ही में 2 होम ग्रोन ब्रांड होंग्स किचन एंड शेफ बोस लॉन्च किए हैं जो चाइनीज कुजीन एंड एफएमसीजी बिजनेस में है। इस कंपनी ने अभी तक में इंडिया एंड अदर कंट्रीज में 1495 प्लस स्टोर डोमिनोज के, 4 स्टोर पोपीस के, 9 स्टोर एकदम बिरयानी के, 29 स्टोर डंकिंग डोनट के एंड 15 स्टोर होंग्स किचन के ओपन किए हैं और 35 स्टोर डोमिनोज के श्रीलंका में एंड 9 स्टोर डोमिनोज के बांग्लादेश में ओपन किए हैं। और ये कंपनी ऑनलाइन ऑर्डरिंग पर बहुत फोकस्ड है और ये कंपनी अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहने के लिए डिस्काउंट कूपन निकालते रहते हैं। अब इसके फ्यूचर की बात करें तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत बेहतरीन लग रहा है। जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में वर्क कर रही है वो बहुत सराहनीय है। इस कंपनी को इस फील्ड में बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस भी है और कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए स्टोर खोलने के साथ नए नए ब्रांड को लॉन्च भी करेगी और कंपनी अभी बड़े शहरों तक ही अपने बिजनेस को सीमित कर पाई है। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस को छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और कंपनी नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाते हुए भी नजर आ रही है। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो जुबिलेंट फूड कंपनी फूड सेगमेंट में जुड़े होने के कारण इन्हें क्वालिटी पर बहुत फोकस करना पड़ता है। इनके सेकंड रिस्क की बात करें तो अभी इन्होंने एकदम बिरयानी लॉन्च किया था और NCR में लोकल बिरयानी जैसे करीम जावेद बिरयानी
इनमें पॉपुलर है, तो इस कंपनी का उनसे सीधा कॉम्पिटिशन है। थर्ड नंबर में है, अब लोकल नए स्टार्टअप वाली कंपनी भी इस फील्ड में उतर चुकी है, तो जुबिलेंट फूड का इन नए स्टार्टअप वाली कंपनी से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि नए स्टार्टअप वाली कंपनी इस सेगमेंट में अपनी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। लेकिन जुबिलेंट फूड का फंडामेंटल एंड बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होने के कारण ये कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर रही है और ये कंपनी फ्यूचर के हिसाब से अच्छी नजर आ रही है, तो ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का, और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क में भी करें। और आप भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन करवा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।